आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 28 जनवरी की शुरुआतन की। कहते हैं कि जो उमंग उत्साह होता है वो इतना इन्फेक्शियस होता है, बल्कि औरों के अंदर भी अच्छा वाला इन्फेक्शन पहुंच जाता है। अगर आप किसी रोते हुए उदास व्यक्ति को भी आप खुश कर सकते हो, एंथुजियाज्म में ला सकते हो, उसके जीवन में कुछ करने की इच्छा ना हो, आगे बढ़ने की इच्छा ना हो, लेकिन आप उसको कि चलो ये काम करके आते हैं, तो आप किसी के जीवन में भी ऊर्जा शक्ति भर सकते हो। और इसी चीज़ के बारे में आज परमपिता परमात्मा बात कर रहे हैं। तो देखें, परमात्मा के खुद शब्दों में कहते क्या हैं परमात्मा पिता, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने, खुद भी उत्साह में रहने और सब को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भगवान, कि खुद भी उत्साह में रहो और औरों को भी उमंग उत्साह में लाओ। क्या होगा, कैसे करेंगे, मेरे को नहीं आता, कहीं उल्टा ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ये सारे संकल्पों से जो आत्माएं ग्रसित हैं आज, उनको इन चीज़ों का नेगेटिव इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उनको भी आप उमंग उत्साह में ला सकते हो। उसको लाने के लिए, वो करने के लिए अंदर हमारे बहुत उमंग उत्साह खुद होना चाहिए और हमें भी कई सारे डरों के ऊपर जीत पा लेनी चाहिए, तभी हम किसी को हम कह सकते हैं चलो। आपको याद होगा बचपन में आप बोलते चलो इस पहाड़ी पे चढ़ते हैं, लोग तो नहीं नहीं गिर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप बोलते नहीं नहीं चलो चलो हाथ पकड़ लेंगे एक दूसरे का और चढ़ जाएंगे ऊपर, है ना। तो वही चीज़ परमात्मा आज कह रहे हैं, वो बचपन की बात तो अलग थी, अब बड़प्पन की बात अलग है। तो परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को, बाप और दादा, परमात्मा पिता और दादा, सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो, खुद भी उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह में उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। सो उत्सव मतलब क्या होता है, उत्सव मनाते हैं, कोई अच्छा सेलिब्रेशंस होती हैं तो उसमें हर कोई नाच गाना हंस रहा होता है, और अगर वो उत्साह खत्म हो जाता है तो घर जाते हैं वैसे वैसे हो जाते हैं उदास। तो परमात्मा कहते हैं हर दिन उत्साह होना चाहिए, इससे संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। क्या करना पड़ता है, सब लोगों को आपस में मिला करके चलना, ऑर्गेनाइजेशन हो या घर की फैमिली हो, अगर हर कोई जो लीडर हो वही बहुत उदास हो, वही एनर्जेटिक ना हो, तो सारे के सारे ठंडे पड़ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आप उमंग उत्साह वाले हो और आपको देख करके फिर बाकी लोग भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जो लोग हैं जैसे जो कि आगे बढ़ते नहीं हैं, जो कि औरों को भी पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाते हैं, वो खींच जाते हैं क्योंकि खुद ही वो उमंग उत्साह में नहीं होते हैं, तो बाकी लोगों को देख करके वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये नहीं होगा जब आप खुद उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा क्या करने के लिए, लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा आपको, चलो उठो ना, करते हैं ना कुछ, अच्छा होगा, अच्छी बात होगी, चलते हैं, सेवा करते हैं, औरों की मदद करते हैं या घर में कुछ काम करने, ये सारे सब कुछ जो है ये ज्ञान परमात्मा का, वो सिर्फ ब्रह्म कुमारी संस्था से रिलेटेड नहीं है, हर एक घर में ये इश्यूज़ हैं। आज बच्चे उमंग उत्साह में नहीं होते, तो खुद नहीं होगा आप उमंग उत्साह में तो बच्चे कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी हैं। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, बॉस को समय नहीं देना पड़ेगा कि उसके जो अंडर काम कर रहे हैं उनको उमंग उत्साह में लाना है, बॉस ही अगर उमंग उत्साह वाला होगा तो सबके सब उमंग उत्साह में आ ही जाएंगे। शक्तियां भी नहीं देनी पड़ेंगी, कहते ना कि इसको समझा के थक गए, इसको समझाते ये तो उड़ गया लेकिन मैं थक गया या थक गई, तो ये भी नहीं होगा, शक्ति भी नहीं देनी पड़ेगी आपको इतनी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आप पहले खुद वैसे बनो, और वो बनना कैसे, वही तो हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी में, कि कैसे बिल्कुल बिना अहंकार के, बिना अभिमान के भी उमंग उत्साह में रह सकता है, और आपको कहीं चिल्लाने की जरूरत नहीं है दिखाने के लिए आप बहुत उमंग उत्साह में हो, आपको हुड़दंग मचाने की जरूरत नहीं है, आपको चारों तरफ हलचल करने की जरूरत नहीं है दिखाने के लिए आप उमंग उत्साह में हो, आपको बस शक्तिशाली होकर के हर कार्य करना है और लोग आपको देख करके बोलेंगे अरे ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी इसमें, आप भी आके सीखें इसको। ओम शांति।